अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वॉलनट बटर केक की। मेरा रेसिपी कार्ड यहाँ मेरे सामने आपको नजर आ रहा होगा और मैंने सब चीज़ें यहाँ पे रेडी करके रखी हुई हैं। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मैं डालूंगी। सबसे पहले इसके अंदर हमने 110 ग्राम फ्लावर डाला है, मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, यहाँ पे 60 ग्राम्स वॉलनट है, इनको मैं अभी बिल्कुल पीस लूंगी, चॉप कर लूँ, बहुत अच्छी तरह से इनका पाउडर बना लूंगी। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 125 ग्राम सॉल्टेड बटर, उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर चीनी मौजूद है 80 ग्राम्स, 30 ग्राम्स वॉलनट हैं जिनको मैं ऐसे ही रखूंगी, ऊपर से स्प्रिंकल होंगे। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा मिल्क पैक दूध और 2 अंडे जाएंगे, और ये मैंने 8x3 का टिन रेडी करके सामने रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने वॉलनट्स चॉप करूंगी। वॉलनट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने चॉप करके और इनका चूरा बनाना है, बिल्कुल जिसे कहते हैं पाउडर फॉर्म में ले आना है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जा रहा है जी, मेरे पास इसके अंदर मौजूद है 110 ग्राम 4 ounces मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इनको मैंने डाला सीव में इस तरीके से, ठीक है जी, और इनको छानकर सीव करके, सीविंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये देखिए, ये एरिएशन हो गई इससे, ये हमने अलग करके रख दिया, ठीक, डन। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 80 ग्राम शुगर, कैस्टर शुगर, वो डाली, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर बटर है। अब रूम टेम्परेचर, ये देखिए, ये इस तरह का बटर होता है, रूम टेम्परेचर बटर। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा हार्ड है, आप इसे 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्दियां हैं, विंटर्स है, तो ये थोड़ा हार्ड है, इसकी क्रीमिंग जरा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इसे हल्का सा 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करूंगी। ये मैं माइक्रोवेव करके लाई हूं, अभी भी ये बहुत नरम नहीं हुआ, ये ख्याल रखिएगा, ठीक। ये 10 गया इसके अंदर मक्खन, इसकी हमने क्रीमिंग करनी है। क्रीमिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा चीनी के साथ इस तरीके से, आई होप आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे जरा, ताकि ना बाद में चींटे ना उठे और आपका पूरे का पूरा किचन खराब नहीं होगा, क्योंकि चीनी में जब वो बीटर चलेगा तो चीनी उड़ेगी। ये देखें जी, सारा का सारा मिक्स हो गया, हैंड हेल्ड बीटर से होगा, बहुत छोटा सा केक है, इसलिए इसको हम स्टैंड मिक्सर में नहीं बना रहे, जैसे सारा इस पे से उतार लें। हमने करीबन करीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से एरिएट करना है। एरिएशन कब तक कंप्लीट हो जाती है, इनसे अक्सर लोग पूछते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जो मक्खन और ये चीनी है, ये थोड़ी लाइट हो गई है, मतलब जब आप इसमें चम्मच हिला रहे हैं या बीटर ला रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट हो गया, और इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो जाएगा। Thank you.
वन एग्स डालेंगे। एक अंडा गया, साइड से स्क्रेप करके। अब इस पॉइंट पे ओवरबीट बिल्कुल नहीं करना क्योंकि मक्खन बहुत अच्छा एरिएट हुआ है, और अगर हम उसे ओवरबीट करेंगे तो उसके एयर क्रिस्टल्स, एयर बबल्स जो से वो सारे ब्रेक हो जाएंगे। ये जी डन। यू कैन सी ये इस तरह का है, ठीक। अब हम इसके अंदर जो 110 ग्राम मैदा और एक टीस्पून बेकिंग पाउडर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद ये जो मैंने पाउडर बनाया था बिल्कुल वॉलनट्स का वो इसके अंदर जाएगा। थोड़ा सा इसके साथ लगा हुआ, इसको हम साफ कर लेते हैं। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून मिल्क। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे राधर। बिल्कुल बीटर नहीं चलाना, आपको थोड़ा सा लंपी लगेगा शुरू में, नो प्रॉब्लम। आप इसमें ये हिलाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे स्पैचुला से तो ये बिल्कुल सही स्मूथ हो जाएगा। बहुत ही लाइट सा केक है, फटाफट से रेसिपीज में मतलब इसमें कम से इंग्रेडिएंट्स हैं और प्रैक्टिस हो तो ये फटाफट बन जाता है। इससे आपने अगर स्क्वायर में बनाना हो छोटे टिन में तो भी बन सकता है। इसके आप कपकेक्स भी बना सकती हैं, इससे मेरा ख्याल है 6 से 8 कपकेक्स निकलेंगे। राउंड टिन में भी बन सकता है, 4 इंचेस वाले में मैं रिकमेंड करूंगी इसे बनाएं ताकि थोड़ी सी हाइट में बने। अगर हाइट में नहीं बनाना चाहते आपके पास नहीं है तो 6 इंचेस, उससे बड़े टिन में इसे मत डालिएगा क्योंकि बहुत ही थिन बनेगा। ये जी हमारा मिक्स हो गया बैटर। अब हमने जो अपना टिन रेडी किया हुआ है ये है 8x3 का मेरा टिन, ठीक। इसके अंदर आई एम गोइंग टू पोर इट। लग रही होगी बट क्रीमी है ये। सॉरी ये अनॉइंग आवाजें जो सी हैं वीडियो में आपको आ रही होंगी, जरा आप इग्नोर कीजिए, ठीक जी। मैंने 2 स्पैचुला से इसको ऐसे करके सेट कर लिया, स्प्रेड कर लें इवनली, कॉर्नर्स खाली नहीं रहे। उसके बाद हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे, ये रेडी, ठीक। अब ये जो थे इनको हाथों से आप चाहें तो हल्का हल्का तोड़कर, ये 30 ग्राम्स वॉलनट है, आपका
केक 180 पे बेक होना है। मैंने अवन जो सा है 180 डिग्री पे सेट करके प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। अवन थर्मामीटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि आपको आपके अवन का टेम्परेचर का अंदाज़ा हो, क्योंकि अवन टेम्परेचर जो सा है उसकी वजह से चीज़ बहुत उसके टेक्स्चर पे, उसके स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक हो गया, ये लें जी सारा कुछ इसके ऊपर डल गया, इट्स रेडी नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट इन द अवन। ये जी मेरा केक जो सा है वो रेडी है, मैं इसको अब अवन में से बाहर निकालने लगी हूँ। ठीक हो गया, मैं भी आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ ये, और खुद ही चेक कर रही हूँ। ये देखिए जी केक इज रेडी, इसके भी पिक्स भी खींचती हूँ और मैं इसको भी बाहर भी निकालती हूँ।